अपराधी पति, पीड़िता पत्नी, अपराध बलात्कार। पूरा नाम क्या लिखती है? काव्यांजलि पुरुषोत्तम भारती। तुझे खबर नहीं है, मगर एक बात सुन ले, आदत खराब कर दी तेरे दो दिन के प्यार ने। अभी सोना नहीं, हम आ रहे हैं। छोड़ो रवि। मेरे पास ना। मैं काव्या विवेक अग्निहोत्री अपने पति विवेक दामोदर अग्निहोत्री पे अपने साथ बलात्कार का आरोप लगाती हूँ। ऐसे नहीं होता है बेटा, पुलिस कानून दशा दुर्दशा सब देख तो रही हो। देखो विवेक, हम उस लड़की को अच्छी तरह से जानते हैं, देर होने से पहले इस मामले को सुलझा लो। बात समझे बिना बात बढ़ाओगी तो बढ़ जाएगी ना? तो बढ़ा लीजिए। तुम जिस तरह से अपनी बात आगे बढ़ाना चाहती हो उस तरीके से मिलेगा तुम्हें कुछ? और ऐसे कौन से बड़े दुख से गुजर रही हो? किसी के दुख को जाने बिना उसे छोटा या बड़ा कैसे समझा जा सकता है गीता जी? प्रोफेसर साहब, बिना आग के धुआं नहीं होता। क्या है ये हमारे वकालत के बेटे की खासियत भी है और खामी भी है कि हमें झूठ को सच और सच को झूठ बनाना पड़ता है। छलावे को खुशी समझ रहे हो मुनिया? ये जो तुम्हारे जोश की आंधी है, हवा के हल्के झोंके की तरह गुजर जाएगी गलियों से और दड़बों में रहने वाली मुर्गियों तक को पता नहीं चलेगा। हम अपने परिणाम तक पहुँचे ना पहुँचे, आपका अंत अब निश्चित है। कानून में वैवाहिक बलात्कार का प्रावधान ही नहीं, फिर भी पता नहीं ये क्यों बलात्कार की चक्कर गिनने चलाए जा रहे हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, क्या 18 साल के बाद की विवाहित महिलाओं का बलात्कार नहीं होता है? पिछले एक साल के वैवाहिक जीवन में आपको कब लगा कि आपके पति अब पति नहीं रहे, बलात्कारी हो गए? इन्होंने मेरा रेप किया है और वो भी मेरी कंसेंट के बिना किया है। कंसेंट? आपकी कंसेंट अपने पति के लिए नहीं है तो फिर किसके लिए है, ये भी अदालत को बता दीजिए। काव्या से आपके संबंध कैसे? कभी आपको लगा आप उन पे हावी हो रहे हैं? हम उनकी सारी जरूरतें पूरी करें तो उनका कर्तव्य नहीं बनता? हमारी जरूरतों का ख्याल रखें। ये जो आसपास दिख रहा है ना, ये जिंदगी नहीं है तुम्हारी। तुम फूल हो हमारे बगीचे का, महकोगी हमारे साथ ही रहकर। दिल के घाव जब रिसते हैं तो दिमाग सुन पड़ जाता है। इस तरह से न्याय की उम्मीद करती हूँ जिस तरह से हर उस लड़की को आज तक मिलता आया है।